फ्रेंड्स, आज पिज़्ज़ा खाने का इतना मन किया, लेकिन यार पिज़्ज़ा खाने के लिए जब अगर बाहर जाना हो ना, तो उसके अलग से प्रिपरेशन, तैयार हो, पैसे लो, फलाने इतनी दूर जाओ फिर आओ, इससे अच्छा क्यों ना घर पे ही पिज़्ज़ा बनाए। ये बहुत ही सिंपल है ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना। इसके लिए मैंने जो घर में हमारे फ्रिज में ब्रेड पड़े रहते हैं ना, मैंने उसके 2 स्लाइसेस लिए हैं इस तरीके से, और उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था, और मेरे पास मेयोनीज भी थी, थोड़ी सी मेयोनीज मैंने लगा दी थी, और मेरे पास ना अमूल का चीज़ स्प्रेड भी था। मैंने वो तीनों चीज़ें लगा दी अच्छे से ब्रेड पर। देखिए, सॉस लगाने के बाद मैंने ये चीज़ लगाया, उसके बाद चीज़ अच्छे से फैला दिया। फिर मुझे मन किया कि क्यों ना मेयोनीज भी ऐड करूँ मैं, तो मैंने ये किया ना, मेयोनीज रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने उसको भी ऐड किया। देखिए, पहले मैंने चीज़ लगाया, मेयोनीज ऐड कर दिया, उसके बाद हमारी जो जितनी वेजेज होती है ना, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न, पनीर, ये ना टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पिज़्ज़ा खाना चाहते हो। कॉर्न वाला खाते हो तो सिर्फ कॉर्न यूज़ करो, टमाटो वाला खाना है तो टमाटो वाला यूज़ करो। मैंने तो 4-5 वेजेज यूज़ किए हैं, जैसे कि टमाटो प्याज पनीर और शिमला मिर्च। इसको मैंने पहले से छोटे पीस में काट के रखे थे, ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट के रख लिए, ताकि मैं इजीली लगा पाऊँ बनाते वक्त। मैंने क्या किया, सब चीज़ें जब लगा दी, सॉस, मेयोनीज, उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर, ये अच्छे से डेकोरेटिव, जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर रखे रहते हैं ना डोमिनोज़ वाले, वैसे स्टाइल में मैंने रख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो अमूल का चीज़ स्प्रेड था, उसको मैंने एक कोन बनाया, उसमें फिल किया, और इस तरह से मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर अच्छे से भर दिया है। और मैंने क्या किया, मेरे पास जो मोज़रेला चीज़ होती है ना सॉलिड वाले, उसको मैंने अच्छे से घिस लिया, घिया कसमी, उसको ऊपर से डाल दिया, अच्छे से पूरा फिल कर दिया। ऊपर से मैंने चीज़ ही चीज़ दिख रही थी, बिल्कुल बताती हूँ मैं। देखो, आप वेजिज तो डाल दी मैंने, इसको तो मैं चीज़ डालूँगी तो देखना कितनी यम्मी लगेगी ना देखने में, जैसे वाओ यार। इसके बाद कुछ नहीं, जब हमारे पिज़्ज़ा, कच्चा पिज़्ज़ा रेडी है, उसको उसमें पकाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, ना मैंने ओवन का यूज़ किया है, ना ही माइक्रोवेव का यूज़ किया है, मैंने सिंपल इसको तवा पे या फिर जो हमारे पास पैन होती है ना, उसमें मैंने इसको पकाया है। फ्रेंड्स, मेरे सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जो वेजेज मैंने सारे भर दिए, चीज़ भी लगा दिया, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इसे पकाना बाकी है। तो मैंने क्या किया, एक पैन लिया था, उसको रख दिया लो फ्लेम पे, ठीक है। जब तक हमारा पैन गरम हो रहा था, तब तक मैंने अपना पिज़्ज़ा रेडी कर लिया था, पिज़्ज़ा बेस के साथ। पिज़्ज़ा बेस हमने ब्रेड कर लिया है एज यूजुअल, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे धीरे इन दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा का जो किया है, उसमें मैंने क्या किया ना, नॉन स्टिक की हमारा पैन था, मैंने हल्का सा घी लगा लिया, ताकि वो अच्छे से थोड़ी खुशबू भी आ जाए कि और वो जले भी ना इजिली। मैंने क्या किया, लो फ्लेम पे ही दोनों पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा पैन के अंदर रख दिया है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको पकने के लिए छोड़ दिया, पकने के लिए ज़्यादा नहीं, देर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो ये ब्रेड है ये ऑलरेडी पका हुआ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको क्या करना है, इस तरह से पैन में रख दिया हमने उठा के धीरे धीरे से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको 3-4 मिनट के लिए उसी पैन में छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए, पहले पैन में मैंने जैसे बताया आपको, ग्रीस कर लिया था मैंने घी से, थोड़ा सा 2-3 बूंद घी डाल के इस तरह से मतलब कर दिया, ताकि चिपके ना और इजीली पक जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा जो रेड किया था, कच्चा पिज़्ज़ा, ये हमने इसमें डाल दिया दोनों पिज़्ज़ाओं को, ब्रेड पिज़्ज़ा बोले तो, इसको डाल के अच्छे से मैंने इसको क्या किया, जो मतलब प्रॉपर कवर वाली आती है ना रेड, उससे मैंने ढक दिया। इससे क्या हुआ ना, ये एक तो स्टीम से पक जाएगा हमारा जो शिमला मिर्च प्याज व्याज है, ये जो चीज़ हमारी एकदम मेल्टी फ्लेवर में आ जाएगी, वो देखने में इतनी यमी लगी ना, क्या होता हूँ। 3-4 मिनट बाद इसको जब हम इसको हटा के देखें ना, तो बिल्कुल रेडी हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा। अब इसकी क्या पहचान है, एक तो ये क्या पहली खुशबू आई, यस पिज़्ज़ा रेडी है। उसके बाद क्या कि मैंने चेक किया, जैसे ब्रेड में सिक गई ना, अच्छे से सिक गई है, मैंने क्या कि ऊपर से ऑर्गेनो जो सीजनिंग आती है ना, डोमिनोज डाल देते हैं, वो घर पे छाछे पड़े रहते थे, मैंने क्या किया, वो फाड़ के वो भी डाल दिया ऊपर से, बस। तो यम्मी पिज़्ज़ा बन के रेडी बना यार, टच वुड, आप भी बनाओ।